द मोस्ट वेलकम व्यूअर्स, आज हमने मैथ ओलम्पियाड्स में ये सवाल लिया है। सवाल है, 4 to the power sin x square plus 4 to the power cos x square equal 5। ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसमें हमें x का मान निकालना है। तो चलिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन वीडियो बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा प्लीज। तो चलिए सवाल बनाना शुरू करते हैं। सिंस 4 to the power sin square x plus 4 to the power cos square x equal 5, या तो इसको हम बदल दें 1 minus cos square में, या इसको बदल दें 1 minus sin square में, ताकि दोनों साइन साइन हो जाए या कॉस कॉस हो जाए। चलिए इसी को बदल लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 sin square x plus 4 power 1 minus sin square x equal 5, since cos square x equal 1 minus sin square x होता है। अब हम घातांक का नियम जानते हैं, अगर m पे पावर m माइनस n रहे तो ये बटा में हो जाता है, यानी इस तरीके से। तो इसी का यूज यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है इसके जैसा, तो ऐसे बटा में हो जाएगा। तो इम्प्लाइज 4 raised to the power sin square x plus 4 by 4 raised to the power sin square x equal 5। अब हम इसको ये मान लेते हैं, लेट 4 raised to the power x equal, मान लीजिए y, मान लीजिए तो y plus 4 by y equal 5। y एलसीएम हो गया, वाई स्क्वायर, वाई से वाई कट गया, 4 5, वाई स्क्वायर प्लस 4 5 5, वाई स्क्वायर माइनस 5 5 प्लस 4। अब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा y minus y minus 4y, y कॉमन 4, y माइनस 1, y माइनस 1 कॉमन हो गया, y माइनस 4, तो y के दो मान हुए, एक एक है और एक 4। तो y हमने किसको माना हुआ है, तो इसको माना हुआ है, यानी 4 4 to the power sin square x equal 1 comma 4, 4 to the power sin x, 1 के बदले में 4 to the power 0 लिख सकते हैं, ये 4 to the power यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो हो जाएगा sin square x equal, ये 4 बेस इक्वल है इसलिए पावर इक्वल होगा 0 1, तो साइन एक्स इक्वल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 1। ये किसका मान होता है, ये साइन 0 का मान होता है, और ये साइन 90 का मान होता है। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल 0 degree और 90 degree, ये हमारा आंसर हो गया। इस मान को अगर इसमें हम रखें तो इसको सेटिस्फाइड करेगा या नहीं आएगा, ये हमारा आंसर हो गया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।